तो देखिए आप और सामने राम राजा सरकार को दरबार लगो है और सभी भक्तगण से कहवो है कि बस एक एक बार आप राम राजा सरकार के दर्शन पाओ और अपनी अर्जी सुनाओ तो जरूर पूरी हुई है। और हमाओ भी जय कहवो है का कि चरणन में गुना वर्णन में भाई भगवान राम राजा सरकार का अपनी कैया में लेके आई इतने स्थापित कर दो तो दोयन में कोई अंतर नहीं है। दोयन की वर्णन कर रहे हैं दो जगह को क्या लिख रहे अवध और इच्छा दो समय जानो अवध और इच्छा दो समय जानो कह रहे जी दो जगह हैं लेकिन एक ही समान लिखो दोयन को काहे अवध और इच्छा दो समझानो ओ तसरियू इते बेतव मानो अवध और इच्छा दो समझानो ओ तसरियू इते बेतव मानो ओ हमेतव मानो कि बेतव मानो कि बेतव मानो अवध मंडी लागो और चार दर्शन में
बाह कौशल्य यहाँ कुंवर गणेश की, बाह कौशल्य यहाँ कुंवर गणेश की, माँ की पदवी पाई हम देखी। कह रहे हैं कि उते अवधपुर में कौशल्या आती, कौशल्या रानी भगवान श्री राम जी की माता जी, और इते ओरछा में कुंवर गणेश जी बाई, कोई माता के समान। तो लिख रहे हैं बाह कौशल्य यहाँ कुंवर गणेश जी, माँ की पदवी पाई हम देखी, बाह कौशल्य यहाँ कुंवर गणेश जी, माँ की पदवी पाई हम देखी, हाँ पाई हम देखी, हाँ पाई हम देखी, के पाई हम देखी। और उनको जो ही मतलब है कि माता कौशल्या जैसा रूप गणेश जी बाई में दिखाई दो, काहे कि छोटे से बालक के रूप में उनने भगवान श्री राम को उठा के लाई और अपने ओरछा धाम में स्थापित करो, लेकिन अपने बच्चा समान प्यार दो उनने और माता बन के। तो सभी देखो हर, सभी देखो हर वाली।